गुड आफ्टरनून, हैप्पी संडे। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी बैकपैकर्स। तो आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है 12:41। तो संडे को घर पर बैठने से अच्छा है कि कुछ आसपास का नया एक्सप्लोर किया जाए। तो मैंने ऐसे ही गूगल पे कुछ सर्च किया तो मुझे उनमें से एक सर्च सजेशन निकला, सागर लेक, जो आमेर के बैक साइड में पड़ता है। और वहाँ पे आसपास कुछ एक म्यूज़ियम है और कुछ एक कुंड, बावड़ी जिसे कहते हैं, वो है। तो मैंने सोचा कि चलें चलते हैं, क्योंकि यहाँ से जब मैंने उसका किलोमीटर नोट किया तो 17-20 किलोमीटर्स यहाँ से आ रहा है। मतलब अगर आप सिटी सेंटर्स लाइक बाईस गोदाम या सोडाला या वैशाली नगर से देखते हो तो 20-21 किलोमीटर के आसपास आपको पड़ेगा। तो दिखाते हैं आपको आज सागर लेक और वहाँ का नेचर और वहाँ की ब्यूटी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं सागर लेक पे। आप वीडियो को एंजॉय करिए और वीडियो के एंड में शेयर कीजिए कमेंट्स कि आपको वीडियो कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं सागर लेक पे। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं जल महल पर और ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक चौपाटी सी लगती है जहाँ कुछ खाने पीने का सामान या कुछ एक नॉर्मल से कुछ चौपाटी सी बनती है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है ब्यूटीफुल जल महल जो मानसागर लेक के बीच में बना हुआ है। और इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था 18th century के अंदर एक रेड कलर के सैंड स्टोन से। तो गाइस, कुछ ये ब्यूटीफुल सा जलमहल ऐसा दिखाई पड़ता है इस पानी के बीचों बीच। तो आप वीडियो को एंजॉय करिए गाइस एंड मिलते हैं फिर आगे। तो फ्रेंड्स, ये है सामने माउटा लेक जो आमेर पर बना हुआ है। जब हम आमेर जाएंगे या इसी सेम रूट से आगे निकलते हैं तो ये लेक हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है। तो ये ब्यूटीफुल सा लेक कुछ इस तरह का दिखता है इस पैलेस के, आमेर पैलेस के साइड में। तो ये है गाइस माउटा लेक, और इसके साइड में एक लाइट साउंड शो भी होता है जो इवनिंग में अरेंज होता है। तो चलिए गाइस, अभी हम बढ़ते हैं आगे। आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज पे आगे।
हेलो दोस्तों, तो अभी हम पहुंच चुके हैं पन्ना मीना का कुंड, जिसे बावड़ी भी कहा जाता है। और ये कुछ स्टेप वेल आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, और ये बहुत ही हिस्टोरिक है। और इसको महाराजा जयसिंह ने बनवाया था 16th century में, और जो डिज़ाइन करा गया था वो ब्राह्मण जो हिंदू कास्ट के हैं उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। तो ये ब्यूटीफुल सा पन्ना मीना कुंड कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। और इसके आसपास ही अनोखी म्यूज़ियम भी है, जहाँ कुछ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स रखे हुए हैं आज भी। और ये जो सामने वॉल आप देख रहे हैं, ये आमेर का बैक साइड है पूरा। तो गाइस, कुछ ऐसा ब्यूटीफुल सा नेचर आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस पन्ना मीना कुंड के ऊपर। तो गाइस, आप इंजॉय कीजिए इस वीडियो को, एंड मिलते हैं आगे नेक्स्ट स्टॉपेज सागर पर। अभी हम हैं सागर लेक पर, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस गरम गरम चाय का मज़ा लेते हुए। तो गाइज, ये कुछ जगह है सागर जहाँ पे आपको लेक देखने को मिलेगा। और लेक के अलावा यहाँ पर अच्छी आपको एक नेचर जो होता है वो नेचर आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ है सागर का व्यू, और दिखाते हैं आपको। ये पीछे है एक नेचुरल सी बहुत चूल्हे वाली चाय की थड़ी, जहाँ पे आप आकर चाय पी सकते हैं। तो ऐसा कुछ व्यू है गाइज यहाँ का, चलिए आपको दिखाते हैं। तो बाबू जी, आप यहीं गई हो? ये मतलब घर वर यहीं आपका? अच्छा, तो आपको तो यहाँ काफी टाइम हो गया होगा। अच्छा, 81 से आप यहाँ पर हो? तो ये कोई गांव कहलाता है क्या है मतलब? अच्छा, गांव का नाम ही सागर है। अच्छा, आमेर सागर। तो ये जो है, ये पीछे आमेर का बैक साइड है क्या, पीछे का हिस्सा? तो ये जो इधर तालाब बना हुआ है, इसमें मगरमच्छ वगैरह भी है क्या? बताते तो हैं, क्योंकि ऐसा कुछ तीन मगरमच्छ है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सागर लेक पर। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है वो सागर लेक जो हमारा आज का व्लॉग है। तो गाइस, कुछ ऐसा दिखता है ये सागर लेक। और ये बहुत ही पीसफुल सी प्लेस है, जहाँ बहुत सूदिंग सा एनवायरनमेंट है। और ये सामने एक टेंपल है, एंड ये जो सामने पहाड़ी आपको दिख रही है, इस पर भी एक हनुमान टेंपल बना हुआ है। तो यहाँ पर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, और पूरे लेक के चारों तरफ आपको एक पाथवे दिखाई पड़ेगा, जहाँ से आप वॉक कर सकते हैं इस लेक का मज़ा लेते हुए। तो गाइस, चलिए आपको दिखाते हैं इस लेक का टॉप व्यू, जो ऊपर से कितना सुंदर दिखाई देता है। तो गाइस, ये कुछ ऐसा दिखता है सागर लेक। यहाँ का सबसे टॉप व्यू जो है, जो साइड में से स्टेयर्स आती है ऊपर की तरफ, हमने वहाँ से आके इसको कैप्चर किया है। तो ये है सागर लेक का सबसे टॉप व्यू, और ये है यहाँ का ब्यूटीफुल सा नेचर, जो बिल्कुल आपको पहाड़ों के बीच में देखने को मिलेगा, जो बहुत ही आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट, और आपको एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर आकर फील होगी। तो गाइस, ये है सागर लेक पहाड़ों के और नेचर के बीच में बना हुआ।
और दोस्तों ये है जो आप सामने देख रहे हैं, ये आमेर फोर्ट। और ये जो सागर लेक है ये आमेर फोर्ट के बैक साइड में ही बना हुआ है। तो जब आप बिल्कुल हाइट पर आकर देखेंगे तो आपको आमेर पैलेस भी यहाँ से दिखने लगेगा। और ये है ओल्ड सिटी जहाँ लोग आज भी रहते हैं आमेर फोर्ट के जस्ट पास में। तो ये सुंदर सा व्यू कुछ इस तरीके का दिखता है गाइस, जो बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों ये था ब्यूटीफुल सा सागर लेक। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से और आप वीडियो का एंड तक देखिएगा, बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, और आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइस एंजॉय कीजिए वीडियो को, मिलते हैं वीडियो के एंड में। गाइस हमारा आज का संडे वीलॉग जो हमने सागर के ऊपर शूट किया था। और जो सागर है ये हमारा आमेर के बैक साइड में पड़ता है। तो प्लेस अच्छी है, बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है, पर वहाँ पर आपको डेफिनेटली एक चीज़ जो मिलने वाली है वो है वहाँ का नेचर और वहाँ का एनवायरनमेंट, वो बहुत ही प्यारा है। मतलब बहुत पीसफुल सी जगह है, आप फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हैं, एक अच्छा प्लेस है। जैसे आज संडे भी था और बहुत फैमिलीज वहाँ आई थी तो काफ़ी क्राउड भी था वहाँ पे, पर अच्छा प्लेस था। और कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, कोई टिकट्स नहीं है, आप बाय बाइक भी जा सकते हैं, बाय कार भी जा सकते हैं और कैब करके भी जा सकते हैं, क्योंकि रूट अच्छा है वहाँ पर जाने के लिए। और गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके क्वेरीज है उसको कमेंट्स में ऐड करें। और वी बैकपैकर की नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।